अच्छा दस हिंदी। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कक्षा दस में जो हमारे भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संस्कृति पर जो प्रकाश डाला उसके विषय में आपको अवगत कराने जा रहे हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में निवास करते हैं, चाहे किसी धर्म का अनुयायी हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे पारसी धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, चाहे बौद्ध धर्म का हो, इस संसार में सभी धर्मों के मानने वाले लोग विश्व में निवास करते हैं। यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में यहाँ पर लेखा महोदय कहते हैं हमारे भारत देश में भी कुछ धर्मों के मानने वाले लोग इन्हीं गिनी संख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, क्यों तमाम प्रकार की बोली है, पंजाबी है, गुजराती है, बुंदेली है, असमी है, तो लेकिन बोलियों के होते हुए भी हमारे भारतीयों में एकता की भावना समाहित होती है। उसी तरह यहाँ नाना प्रकार के धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान है। लेखक महोदय कहते हैं जिस प्रकार से बोलियों की गिनती की संख्या हम नगण्य है, उसी प्रकार से धर्मों की संख्या भी नगण्य है। इन अलगाववादी तत्वों को देखते हुए अगर अपरिचित आदमी भारत में आए तो घबरा कर अवश्य कह उठेगा कि एक देश नहीं, यहाँ पर अनेक देशों के लोग रहते हैं, यह एक जाति का समूह नहीं, अनेक जातियों का समूह यहाँ पर रहता है। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही नज़र में आती रहती है। पर ये विचार करके देखा जाए तो इन अलगाववादी तत्वों की तरह तह में एक ऐसी समता और एकता समाहित है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह से पिरोए है और पिरो कर एक सुंदर समूह का निर्माण करती है। जैसे रेशमी धागा नाना प्रकार की और नाना प्रकार की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरो कर एक सुंदर हार का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार से हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं हमारे देश में तमाम प्रकार धर्म संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के भाषी लोग हैं, लेकिन जब हमारे देश पर कोई संकट आता है तो संपूर्ण हिंदुस्तान के लोग एकता के सूत्र में बन जाते हैं, जिसको प्रत्येक मड़िया फूल दूसरे से न तो अलग है और न हो सकती है, और केवल ही अपनी सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, बल दूसरों की सुंदरता से स्वयं सुशोभित होता है। क्यों यहाँ पर जो व्यक्ति महापुरुष होता है स्वयं के द्वारा सुशोभित नहीं होता है, दूसरों के द्वारा सम्मानित होकर सुशोभित होता है, और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। ये केवल एक कविता की भावना ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक सत्यार्थ को पूर्ण करता है, जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व को कायम करते हुए नाना प्रकार की जलप्रपातों और प्रवाहों को संगम स्थल मान करके एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में फैला हुआ है, जिसे भारतीय संस्कृत का नाम दे सकते हैं या भारतीय संस्कृत के नाम से जान सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम अलग अलग हो सकते हैं, निकलने के स्थान अलग अलग हो सकते हैं और रहे भी हैं, इनकी भाषाएं भी अलग अलग रही हैं और प्रदेश के अनुसार नाना प्रकार के अन्न और फल फूल हमारे भारत देश में पैदा होते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, पर सब में एक ही सुंदर शुद्ध सुंदर स्वस्थ और शीतल जल बहता हुआ प्रतीत होता है,
और उद्गम और संगम में मतलब एक हो जाता है। अर्थात हमारे भारत में जितने भी जलप्रपात हैं, जितने भी नदियां हैं, अंततोगत्वा उस समुद्र में ही मिल जाती हैं। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। यहाँ पर लेखक महोदय आज निर्मल शुद्ध शीतल अमृत की तलाश में अपने को समाहित कर रहा है और हमारी इच्छा अभिलाषा और ये कोशिश है कि वो इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। लेखक महोदय कहते हैं आज हम इस निर्मल शुद्ध शीतल स्वस्थ अमृत की तलाश में जुटे हुए हैं, जो हमारी इच्छा अभिलाषा ये प्रयत्न है कि उन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, समाहित होता रहे और इनको वो अमृत तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हो, तूफान झंझावत तमाम प्रकार की विषम परिस्थितियों को झेलता हुआ आज भी वही हिमालय हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। कि जैसा हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, मतलब हमारा नाम विश्व के पटल पर आज भी रोशन है। कुछ बात है हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात जो है हमारी मतलब हमारा अस्तित्व भी नहीं समाप्त होता और हमारा सम्मान कायम रहता है। सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा, क्यों हमारे देश भारत पर विदेशी शक्तियां सदैव आक्रमण करती रहीं और हम सभी उसका मुकाबला करते रहे। बच्चों यही से लेसन समाप्त हो गया, तब तक के लिए नमस्कार।